मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के फर्जी वीडियो बनाकर प्रचारित करने से देश और समाज में और विभिन्न वर्गों के बीच में विद्वेष की भावना पनप सकती है, हिंसा भड़क सकती है। अतः ऐसे किसी भी कृत्य से बचें। किसी भी YouTube चैनल की प्रामाणिकता उसके व्यूअरशिप से नहीं बल्कि उसकी सही खबरों से होती है। अतः सही खबरें दिखा करके सही परिप्रेक्ष्य में खबरें दिखाई जाए, न कि गलत और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर फर्जी तरीके से वीडियो बनाए। इसका हश्र आप अभी जो ये कांड और जो घटना मैंने उद्भेदित की उससे प्रमाणित होता है। आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि जब भी कोई इस तरह की बात प्रकाश में आए, कृपया अधिकृत सूत्रों से, पुलिस अधीक्षक हैं या वरीय प्राधिकार हैं, उनसे घटनाओं का सत्यापन कर लें, घटनाक्रम का सत्यापन कर लें और कुछ समय पुलिस को अवश्य दें। कई बार ये हो सकता है कि आपकी जो मांगी गई सूचना है उस पर तत्काल सूचना उपलब्ध न हो सके, तो सही तरीके से घटनाओं को सामने रखने से ही समाज को सही सूचना मिलेगी। न्यूज़पेपर प्रकाशन हो या सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या जो हमारे टीवी चैनल है, उन सभी से अनुरोध है कि सही तथ्यों को सही तरीके से रखा जाए और इसमें अधिकृत वर्जन भी सामने रखा जाए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी यही गाइडलाइन है कि जब भी आप कोई न्यूज देते हैं तो उसमें सभी पक्षों से बात कर खबरों को पुष्ट कर ही करते हुए ही उसको लिखें। अगर कोई तथ्य आपके रिपोर्टिंग के अनुसार पुष्ट नहीं हो रही तो आप निश्चित रूप से लिखें कि पुलिस का ऐसा कहना, और बगैर इस तरह के जो आजकल कुछ YouTube चैनल और सोशल मीडिया में इस तरह की जो न्यूज चल रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे पहले न्यूज को दिखाने की जो प्रवृत्ति है उसमें गलत न्यूज भी चल रही, इससे बचें। इस पूरे प्रकरण में बिहार पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है।